दोस्तों आईपीएल 2023 से ठीक पहले काइल जेमिसन के जगह पर मगाला के शामिल होने के बाद बदल गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अपने पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। अब इन 11 भूखे शेरों के साथ एमएस धोनी उतरेंगे मैदान पर, तो क्या होगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अपने पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चेन्नई की टीम के बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हो चेन्नई की टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर आईपीएल 2023 का आगाज शानदार तरीके से करे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अब आईपीएल 2023 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब आईपीएल 2023 का सीजन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस बार सबसे पहले अपना प्रैक्टिस कैंप शुरू किया था, चाहे इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सभी खिलाड़ी चेन्नई में मौजूद है, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रैक्टिस कैंप चल रहा है। वहीं आपको बता दे आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लगा था, जब चेन्नई की टीम के स्टार तेज गेंदबाज काइल जेमिसन चोट के कारण आईपीएल 2023 से बाहर हो गए थे। लेकिन अब सीएसके की टीम ने जेमिसन के जगह पर मगाला को अपने टीम में शामिल किया है। आपको बता दें मगाला साउथ अफ्रीका की टीम के एक तेज गेंदबाज है, जो गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मगाला के शामिल होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अपने पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। तो कुछ इस प्रकार रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अपने पहले मैच में प्लेइंग 11, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए नंबर 1 पर ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 2 पर बेन स्टोक्स, नंबर 3 पर मोइन अली, नंबर 4 पर अंबाती रायडू, नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 6 पर एमएस धोनी, नंबर 7 पर ड्वेन पिटोरियस, नंबर 8 पर सिसांडा मंगाला, नंबर 9 पर दीपक चहल, नंबर 10 पर मुकेश चौधरी और नंबर 11 पर प्रशांत सोलंकी। ये 11 खिलाड़ी पहले मैच में चेन्नई की टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा रह सकते हैं। तो आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अपने पहले मुकाबले के लिए सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप इसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।